देखिए और इंजॉय करिए, मुझे पता है आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो गाइस मैं नहा के हो गई रेडी, दीपक भी गए हैं बाथरूम नहाने के लिए। अब मैं रेडी होंगी और मैं आज करूँगी मस्त मेकअप। और मुझे आज हेयर कर्ली करवाना था पर टाइम है नहीं अभी, तो मैं सोच रही हूँ वो हेयर कर्ली स्किप ही कर दूँ। ऐसे ही मेरे नेचुरल स्ट्रेट अच्छे लगते हैं। और अब आज मैं पहनने वाली हूँ, पता है मैं क्या पहनने वाली हूँ, मैं दिखाती हूँ ठीक है। आज मैं पहनूँगी ये है मेरा साड़ी, ये देखिए ये है मेरा साड़ी, ये है ब्लाउज, ये है पेटीकोट, आज मैं ये पहनने वाली हूँ। सो या गाइस ये है मेरा फाइनल लुक। मम्मी अलग कैमरा पकड़ दी ना, मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही हूँ मैं। कमेंट करके प्लीज़ बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। सब लोग बैठ चुके हैं, ये देखो। ओहो दीपक को तो मैंने दिखाया ही नहीं। ओ ये देखो हमारा हीरो, और ये मेरी बहन, और यहाँ है इतना झाड़ी, और ये है। अब मैं भी जा रही हूँ बैठने, अब हम जाएंगे सीधा घर, कुछ सामान भी लेना है। बीच में जानो तो मत के जान चास मैं ना जान अगड़ी बस सक बाउन के ना लाई हां ठीक है चलिए। तो हम जा रहे हैं घर। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूं कदमा यहाँ पे है सामने। और पहले मैं जा रही हूँ हमारे दीदी के घर, दीदी को लेना है, उसके बाद ही हम जाएंगे घर, क्योंकि हम साथ में बैठ के ही टीका लगाते हैं बड़े पापा का। वैसे भी अभी जीजा जी है नहीं, तो हम लोग साथ में बैठ के ही लगाएंगे टीका मेरे बड़े पापा। ये देखिए हमें मम्मी यहाँ पे, ये जो है ये सो गया है, ये देखो हमेशा कहीं भी जाओ तो ये सो जाता है, घर में सुलाओ तो सोता ही नहीं है, पता नहीं कैसा है ये हाथी। और ये है कदमा, ये सामने जो है वो देखो कदमा इधर है, टी गार्डन इधर से जाता है पानी घट्टा, इस साइड से जाता है पानी घट्टा, दार्जिलिंग मिरिक कहीं भी हो हिल स्टेशन इस तरह से जाते हैं यहाँ पे है। गाइज ये देखो टी गार्डन, ये देखो गाइज रियो इतना मस्त है ना, जब भी मैं आजकल ये देखती हूँ ना वाह इतना अच्छा लगता है मुझे, वाह मस्त। माही ने कपड़ा ही नहीं लगाया क्योंकि मैंने उसको खरीद दिया था वो प्लाजो सेट, जो कि मैंने उसे बता दिया था कि मैंने तेरे लिए प्लाजो खरीद दिया है, तब तो उसने कोई कपड़ा पहना ही नहीं है। वो बोल रहा है कि मेरा ही कपड़ा पहनेगा, ये बताओ ये बच्चे भी ना। हम सब पहुंच चुके हैं वेदी के घर, अब इसको लेके हम जा रहे हैं घर। ये देखो माही आप बाबा ले हेलो वन मनन वन, और यहाँ है हम लोग तो बनी वन बन, लेना लाई ओए
हेलो हैप्पी दसाई बेना, हैप्पी दसाई बेना, हैप्पी दसाई। तो गाइस इसने कहा था कि ब्लॉग में मेरी तारीफ करो, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर लग रही है, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है कि क्या ही बताए, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, अच्छा लग। तो गाइस बताओ कैसा लग रहा है ये तो गाइस ये मिस यू बेना एंड जॉइन दिव्या में तैर दिव्या में तो दिव्या मैडम टीका लाउंदा छ मेरे यहाँ घाम आए भने त त्यसले खेल बडीलाई यहाँ उमाउनु त यहाँ उभयो किन हो ए तैँले घाम छेलाको तो गाइस यही है हमारा, ठीक है। हम लोग ऐसे ही है, हमारा छोटा सा घर है, घर कैसा भी हो रहने वालों के रहने वाले लोग लोगों का मन इम्पोर्टेंट होता है, और मेरा बड़ा का मन जो है बहुत ही बड़ा है, घर छोटा होने से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी हम यहीं पे पले बड़े हुए हैं। बड़ा हाँ बन दिन ना हाँ तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरे बड़े पापा है, आप लोग सब बोलते हैं कि राख दी आपका पापा है, नहीं मेरे बड़े पापा है, लेकिन मेरे पापा से भी बड़ के है, क्योंकि बचपन में ही हमारे मेरे जो पापा थे वो स्वर्गवासी हो गए, तो तब से ही सब कुछ पापा के सब कुछ हमारे बड़े पापा ने किया है। तो मैं अगर कहूँ तो मेरे लिए पापा से बढ़ के मेरे बड़े पापा, और मैं घर में सबसे ज़्यादा प्यार मेरे बड़े पापा को करती हूँ, मेरे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार मैं मेरे बड़े पापा करती हूँ। नहीं बड़ा ए तो लाभ गाना पर बद सुधा तो उतर सब बडालाई देखेर नि त बडा उता देखे उता हेर्नु त बडा क्यामेरामा उता हेर्नु न क्यामेरामा आशीर्वाद दिनु आशीर्वाद त म दिन्छु दिन्छु ओइ किन रोने लाग ये रोने लाग रे ये पता नि ओइ ओइ मानन भया भया भन्नु छ मनान अलग रुनो न हाँ बोला सारा नहीं हो अरे ये थोड़ा कितने थोड़ा
तो गाइस ये मेरे बड़े पापा टिक 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 मेरे मम्मी बड़ा भन्नु ना मेरे बेटी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज्यादा शेयर करिए कति भन्नु अझ भन्नु ना हिंदी में भन्नु ना हमारा बेटी का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हां बेटी का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए आगे बढ़ाए कोशिश करता पड़ेगा तो मैं तो फिर गाली करने में जान दस आगे बढ़ाइए सपोर्ट करिए हमारे बेटी को मानू ना हां भंचो पिछाड़ी डायरेक्ट भंचो ने अली यही तो हो डायरेक्ट का उद्देश्य एक्चुअली क्या हुआ कि बड़े पापा ने खाना नहीं खाया जब तक हमें टीका नहीं लगाते बड़े पापा खाना नहीं खाते तो अब हम हमारा टीका जो है हो गया है अब बस मम्मी लगाएंगी उसके बाद फिर हम खाएंगे खाना उसके बाद बोलेंगे ठीक है बनू का ठीक है तो पैसा ना निकले हामीलाई त थाहा छैन यसको भागाको पैसा चाहिँ मलाई दिनु है आमा तेरो भागको पैसा चाहिँ मेरो भागको पैसा अनि बेनाको भागको पैसा मैले यो त झन् आमाले लगाइदिन्छ टिका लो अब मेरो छोरी राख्दैको लागि लो छोरी ठुलो छोरी मम्मी पासमा दिन्छ त मुखको दान आयौ आयौ जीवा किन यसको बात सुनेर नि मलाई त हाँस पो उठ्छ नाकमै झर तँलाई माया गर्छ मलाई माया गर्दैन तँलाई मात्र या मा तर कसलाई माया गर्छ बेसी लु माकु काली म माकुली पाटु सबभन्दा चार जन्ममा कसलाई बेसी माया लाग्छ सबैलाई बराबर लाग्छ मलाई चल कसको माया छोरी सुखमा साथ दिने दुःखमा साथ दिने अन्त दुःखमा साथ दिने चाहिँ काली छँदैछ अलिक ठुलो दुःखमा चाहिँ राखी छँदैछ सुखमा चाहिँ चन्दन छँदैछ हाम्रो जय फेरि यस्तो राम्रो छ हाम्रो जय फेरि यस्तो राम्रो छ कि हाम्रो जय फेरि यस्तो राम्रो हुनुहुन्छ कि हिसाब किताब केही गर्दैन हम आ गए फिर यहाँ पे टीका लगाने के लिए और ये हमारा बड़े पापा हाम्रो बडा है वो छोटा बडा था ये बडे पापा है हम लोग आए टीका लगाने बडा भन्नु न मेरो बेटी के च्यानल को सब्सक्राइब गरिए आगे बढाइए तो नेपाली के घर में ऐसा ही होता है गाइस ये देखो ये सब ये खसी का मासु कस्तो खालको ये मेरी भाभी मेरे लिए कुछ बोल दीजिए मेरा ननन का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर आपका ननन कैसा है वो बता दीजिए बहुत अच्छा है हम लोग कभी झगड़ा झाटी अभी तक हमने इतना साल हो गया कभी नहीं किया है नहीं भाजू तब कहीं झगड़ा पड़े छू ना हमने हम लोग कभी भी झगड़ा नहीं किया है इतने सालों में कभी भी हुआ ही नहीं है भाजू ठुस्की भाग्छ नी ठुस्का ठुस्की जो होता है ना मुँह काला काली थोड़ा थोड़ा गुस्सा वाला बस वो हुआ है उससे ज्यादा कभी कुछ हुआ ही नहीं है मेरे भाभी के साथ कभी मेरा कोई भी भाभी के साथ उतना हुआ नहीं है मेरे ये भाभी बहुत अच्छा है कांची तो गाइस यहाँ मेरा पूरा बचपन बीता है पहले मैं जब भी आती थी यहाँ था रूम ठीक है
यहाँ मैं रहती थी पहले, उसके बाद यही है वो मिरर जहाँ पे मैं दरवाजा बंद करके एक्टिंग नौटंकी करती थी और सब लोग बाहर बोलते थे ये अंदर पता नहीं क्या करे। तो ये पहले आईना जो था ये यहाँ पे था, वो ड्रेसिंग आईना, और मैं दरवाजा लॉक करके एक्टिंग करती रहती हूँ। सब लोग मुझे बोलते थे ये दरवाजा बंद करके क्या करता है, तो यही वो मिरर है जहाँ पे मैं खड़े होके नाटक करती रहती थी, एक्टिंग करती रहती थी। हाँ सब लोग मुझे बचपन से ही हाँ बोलते थे, क्योंकि मैं काम वाम कुछ भी नहीं करती थी, बस थोड़ा मेकअप वेकअप करके पूरा ये भयो तो ये रुदे सही लु जा टीका लगा। अर्को साल भेना त दसैँ मै आउँछ त, तब टीका लगाइहाल्नु नि। ए कस्तो रुको त हो, अर्को साल आइहाल्छ त हो भेना कमाउनु गएको। अहिले चाहिँ रुँदैछ, अहिले चाहिँ रुँदैछ यता हेर त, अहिले चाहिँ रुँदैछ हेर्न भेना बिचरा जाँदैछ अरे, त नजान त यहीँ बस भेनालाई भने कहाँ हौ, त्यस्तो त कसरी हुन्छ अरे, फेरि पठाउने पनि अरे हो, रुने पनि अरे यहाँ, यो रुँदैछ है भेना हेर्नु है हेर्नु, तपाईँको बुढी रुँदैछ नि है भेना। भेना नाटक होइन, ओरिजिनल रुको थियो, बडा ओरिजिनल रुको थियो भन्दिन त लु। तो गाइस ऐसे करके हम लोग लगाते हैं टीका चावल का, और हमारे बड़े जो है मम्मी पापा जो है आशीर्वाद देते हैं ऐसे करके। बड़े पापा शर्मा रहे क्योंकि बड़े पापा थोड़े शर्मीले हैं। मेरो नि यो रात कलर भएको छैन, एकछिन बेलुका चिका आदि हो, मेरो दिदीको सासु जो कि मुझे भी बहुत प्यार करते थे, तर मलाई माया गर्छ गर्दैन भन्छ अनि भन्नु न रङ किन लाग्छ आज हाम्रो राईहरु हो नि त, राईहरुले सेतो लगाउँछ, भन्नु न त अब यसको युट्युब च्यानल मेरा 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 बेटी है, मेरा बेटी दामाद है, आया है सिलीगुड़ी से आया है, उसके लिए आज मैं टीका लगा रहा हूँ, दुर्गा पूजा का प्रसाद दे रहा हूँ। मेरे हाथ हो लो जय बाबू, ये हो जैसे आँच हम खुशी मना पर्स नरिचाउनु है सम ज्वाइँ बाबु, यस्तो भयो केही खाने दिन मङ्गलबार पर्यो तर धेरै धनी हुनुपर्छ मलाई चाहिँ बुढेसकालमा लाटा लङ्गडा भयो भने प्यारालसिनी नभेटोस् भनेर भन्नु, पूजापाठ गर्दाखेरि प्यारालसिनी नभेट्नु भन्नु, सबै कुरो हुनु तर प्यारालस नहुनु भन्नु ल। मान्छे राम्रो भयो भने केही हुँदैन, खट्नी गर्ने मान्छेहरू पर्दैन भयो हाइट बेसी लामो क्यामेराबाट आउनुहुन्छ है।
6 फुट 1 इंच 6 फुट 1 इंच बाप रे तो पैसा किनो अपना अपना कितना दिया पैसा किनो कितना दिया कितना मिला बोलो दीदी ने इतना बोला 3000 3 6 यानी कि 3000 1 2 3 4 5 6 1 2 3
तो गाइस ये देखो दशहरे में ऐसा ही होता है हम लोगों का यहाँ। ये जो वाइड है ना, ये जो वाइड है, हम राय लिंबू में जो मेरा जो टाइटल है राय, उसमें हम लोग कलरफुल टीका नहीं लगाते हैं, हम वाइट टीका लगाते हैं। और जो अदर्स जो नेपालियों में और जो जितने भी टाइटल है, जैसे कि तामंग, वो तामंग राय तामंग जो नींबू सुबह होते हैं ना, वो वाइट कलर के टीका लगाते हैं। और अदर्स जितने भी होते हैं वो ऐसे रेड करके, छेत्री बाउन थापा प्रधान जितने भी और टाइटल होते हैं वो लगाते ऐसे रेड। तो आप कंफ्यूजन मत हो जाइए, ये जस्ट हम लोग जस्ट ये वाइट सिर्फ हम लगाते हैं, राय लिंबू सुब्बा तामंग लोग ही लगाते हैं वाइट, और जितने भी है वो सब रेड लगाते हैं। तो ये ही हो गया, ऐसे ही होता है हम लोग का यहाँ पे दसाई में। सो या गाइस, हम लोग अब घर पहुँच चुके हैं और आज पूरा दिन आपका वॉलपेपर दिखाओ पहले आपके फोन का। मेरे फोन का वॉलपेपर गाइस, मेरे फोन का नहीं, मेरे फोटो का। उनके फोन में मेरा मेरे फोटो का वॉलपेपर की बोल। तो मायू, तो या गाइस आज पूरा दिन हमारा इसी तरह से बीत गया है। यही हम लोग का नेपाली में यही होता है एक्चुअली। हम ये 5 दिन तक चलेगा, बट मैं आ गई क्योंकि मुझे फिर शूट भी करना है, फिर क्योंकि हमारा जो है सप्तमी से हम लोग षष्ठी से हम लोग षष्ठी में हम लोग ने शूट किया था, उसके बाद सप्तमी से छुट्टी है। अष्टमी नवमी विजय दशमी है आज, परसों भी छुट्टी है, उसके बाद परसों से हम लोग का कंटिन्यू स्टार्ट वीडियो फिर शूट स्टार्ट होगा। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, बहुत थक चुकी हूँ इधर उधर 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 जाते हुए। और इसी तरह से हम लोग का ब्लॉग यहीं पे हो जाता है एंड। थैंक यू सो मच आप लोग ने यहाँ तक ब्लॉग देखा, और मेरे ब्लॉग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ मेरे ब्लॉग चैनल को भी आगे बढ़ाइए। आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हो इसलिए मैं हूँ, आपके बिना आई एम जीरो, सब कुछ है तो आपकी वजह से। और या इतना ही था बोलना, और थैंक यू सो मच। होप कि आप सबने भी दुर्गा पूजा अच्छे से मनाया होगा, दशहरा अच्छे से मनाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अब तक अभी के लिए बाय बाय, आई लव यू, गुड नाइट, बाय बाय।